अच्छा यहाँ पे आए हैं हाँ जी बताएं क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले जितने भी आपके सरोते आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सभी को जय भीम जय भारत जी जी जय भीम जय जैसे कि आपको रॉक्सी जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आया हूँ परिवार वालों के साथ सीधी बात करके कुछ एफआईआर मेरे पास है कुछ डॉक्यूमेंट हैं लड़की की okay. माता और लड़की के मामा जी के साथ बात वगैरह करके वो मैं okay. एक इंफॉर्मेशन अपने समाज को डिलीवर करना चाहता था तो जैसे कि हमारा बहुजन मीडिया है हमारी कोशिश है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमें हमारी न्यूज वगैरह जो हमारे दुखांत हैं वो नहीं चलाएगा लेकिन हमें जहां भी मौका मिलता है इस खबर को बड़े लेवल पर फैलाना चाहिए ये मैं जिम्मेवारी समझता हूँ तो ये आपकी भी मैं जिम्मेवारी समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको डिलीवर करेंगे और तो के आधार पर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है शायद चीजें आपको भेजे भी होंगे उसी के आधार पर मैं करूंगा सो so, uh, मामला मामला मेडिकल uh, कॉलेज का है सो कॉलेज so, का नाम जो है वो सिखों के गुरु गुरु श्री गुरु रामदास के नाम पर रखा हुआ है अमृतसर में कॉलेज है श्री गुरु स्टूडेंट थी एम बीबीएस कर रही थी, शी ब्रेलियंट बहुत थी। उसकी माता ने बताया है की उसकी कभी भी किसी भी प्रॉफ्ट में कोई सप्ली नहीं लगी ऐसी होने के कारण उसके साथ जो जाति वितकरा हो रहा था वो परिवार वालों ने अभी आप देख रहे होंगे कि जो YouTube चैनल्स हैं जो एफ दर्ज हुई हैं वो ये शो कर रहे हैं बयान दे रहे हैं कि उसके साथ पहले साल से जाति हो रहा था तो क्या हुआ कि डॉक्टर जिन हालातों में जैसे आपने पहले कहा कि हमें एजुकेशन आदारों में जाना चाहिए पढ़ना चाहिए तो ताकि हम फैक्ट चेक कर सकें आप हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हो एजुकेशन की बात करते हो जो बहुत अच्छी बहुत अच्छी बातें हैं तो मैं भी इसी बात को इसी बात से सहमत हूँ कि बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट को ब्रेक करना है तो उन लोगों को एजुकेट करो जो जो कास्ट को ब्रेक करना चाहते हैं ना कि वो लोगों को एजुकेशन मिले जो कास्ट को बनाए रखना चाहते हैं ऐसी बात ये मैं मानता हूं कि जब तक हम एजुकेट नहीं होते यूनाइट नहीं होते अपने समाज का दुख नहीं समझते हमारे समाज में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है सो so, यही मामला जो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ कि बात 8 मार्च की है जब पंपोज डॉक्टर पंपोज है उसकी माता जी ने डॉक्टर पंपोज को कॉल कर रही थी वो नहीं उठा रही थी तो डॉक्टर पंपोज की जो माता है वो अमृतसर जहाँ पर वो लड़की उनकी पढ़ रही थी उस इंस्टीट्यूट में जाती है उसके हॉस्टल में जाती है तो जो डोर बंद होता है उसको पुश करती है तो डोर खुल जाता है उनका बयान है एफ आई आर में एफ आई आर नंबर जीरो की जाती है और मकबूलपुरा थाना अमृतसर में है वहां पर एफ आई आर दर्ज होती है तो जब वो डोर पुश करती है उसके हिसाब से वो देखती है कि जो उसकी लाश होती है पंपोष की डॉक्टर पंपोश की लाश होती है वो पंखे पर लटकती देखती है उसके बाद जैसे लड़की वाले बता रहे हैं जी ये सब प्ली प्लान था उसको पहले साल से ही तंग करने लगे थे लड़की के नाना जी और लड़की के माता जी जब कॉलेज के मैनेजमेंट को मिलने गए तो जब उसको कास्ट स्लट बोलने शुरू किए लड़की को पहले साल ही तो मैनेजमेंट का जो था एपी सिंह उसने यही कहा कि भाई ये प्रोफेशनल कॉजे है कॉलेज है यहाँ पर ऐसी बातें तो होती रहती है तो परिवार वालों ने लिखती तौर पर एक जो लेटर दिया था उनको रिक्वेस्ट लेटर दिया था कि हमारी लड़की के साथ जाति बतरा हो रहा है पहले साल से सा ही तो उसको इग्नोर किया गया और जाति जो वाद था उस कॉलेज में श्री गुरु रामदास कॉलेज इंस्टीट्यूट अमृतसर में और जोर से होने लगा और जो बच्चे हैं उसके उसके जो बैच के बच्चे थे 2017 का बैच था उसका तो उनको खुल, नहीं। नहीं। खुली शूट दी गई उस एफआईआर एफआईआर में जो लॉज हुई है उसमें 10 पाए गए हैं प्रवाल वालों ने 15 की मांग की थी वो मैं आगे जाके डिटेल बताता हूँ पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या घटा जब जब ये हो रहा था तो लड़की वाले को लड़की वालों को शक था कि भाई मतलब मेरी डॉटर फोन नहीं उठा रही उसने जब होस्टल गई है होस्टल जाके देखा है अपनी लड़की की उसने लाश देखी है तो हॉस्टल वहां पर आता है कुछ बंदे उसको नीचे जो वार्डन होता है मिस्टर चौधरी वो बिना किसी पुलिस कर्मचारी के वहां मौजूद होते हुए बिना किसी पुलिस के होते हुए आ, वो उस लाश को नीचे उतार देते हैं तो अच्छा या उसको नीचे उतार देते हैं दर्ज किया या। अच्छा ओके, ओके उसको नीचे उतार देते हैं तो बाद में जैसे आ, मतलब लड़की वालों तो ये भी बताया है कि उस दिन क्या हुआ था वैसे जब वो अपनी लड़की को मिलने जाते थे तो जो उनकी गाड़ी होती थी वो कॉलेज के अंदर लेकर जाते होते थे सेलफोन उनके पास होते थे उस दिन स्पेशल क्या हुआ उस दिन उनकी गाड़ी कॉलेज के अंदर नहीं जाने दी कोई भी सेल फोन उनको अंदर ले जाने नहीं दिया गया सो so, उन परिवार की तरफ से ये बोला जाता है इट्स अ प्री प्लान इंस्टीट्यूशनल कास्टियस्ट मर्डर तो परिवार की तरफ से ये बोला जा रहा है तो परिवार वालों ने क्या हुआ कि परिवार वालों ने जब थाना बल्ला में अपनी इसको रिपोर्ट किया उसने उन्होंने कुछ नाम लिए जो उस कॉलेज की मैनेजमेंट के नाम थे उन पर पर्चा दर्ज नहीं हुआ जब लड़की वालों ने वकील से बात की तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करें कि एक वकील मतलब वकील ने उनको सलाह दी कि आप ऐसा करें कि जो अक्यूज पर्सन जो एफ में जो मैनेजमेंट के बंदे हैं जिनके संबंध एस से है ये कॉलेज को एसजीपीसी रन करती है एसजीपीसी के ये okay. सारे हैं, जो लोग साउथ के आपको सुन रहे हैं उनको मैं बता दू एस का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो गोल्डन टेम्पल को भी उसको भी मैनेज करती है आपको पता होगा उसकी कमेटी है ये वो उनको मतलब उनकी एस, इतनी तकड़ी बैकअप थी कि उन पर पर्चा उन पर पर्चा दर्ज नहीं हुआ तो उसके बाद जो पर्चा जिन पर दर्ज हुआ है उन स्टूडेंट्स के नाम इस प्रकार है मैं यहाँ बोलता हूँ उस पर्चे में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम इस प्रकार हैं हैुरजीत सिंह सन ऑफ सुरजीत सिंह गगनमीत कौर प्रभ नेहमत कौर प्रियंका कौर आलूवालिया डॉटर ऑफ कमलवीर सिंह नमीशा और करणवीर सिंह जोशान सन ऑफ कुलदीप सिंह और प्रतिभा ठाकुर और उसमें एक प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति शर्मा और डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष महाजन तो एक उसमें जिमी स्टेनो स्टाफ का बंदा था इन सभी पे धारा 306 लगी है कि और एस सी एक्ट 1989 लगा है सेक्शन थ्री लगा है इन पर अभी हमें पता लगा है कि अब जो प्रभ नेहमत कौर है इन एस सी एक्ट ऐसा होता कि

जो मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व है आ, वो वो बड़े पद्धर पर है mm -hmm. देखिये साथियों कि कैसे एक बहन की सुसाइडल जिसको बता जा रहा था कि सुसाइड हुआ है पर अभी जो हमने जो यहाँ खबर सुनी है उसमें ये पता लग रहा है कि जो वो टंगी हुई थी फांसी पे और गेट खुला हुआ था तो अगर किसी को मरना है तो वो भीतर से बंद कर देता है पर अभी आपने जो बताया उसे ये पता चल रहा है की वो खुला हुआ था यानी की कहीं ऐसा तो नहीं है की मतलब लड़की मदर का कहना है उसने जोर से पूछ किया तो डोर खुल गया

उनका ये भी कहना है कि क्लास में कैमरे लगे हुए हैं कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करो उस लड़की को एक साइड पर सेपरेट टेबल पर बैठाया जाता था उसके साथ कोई अच्छा? हाँ उसके साथ कोई ये प्रोफेशनल कॉलेज की बात है वो वो दावा कर रहे हैं सो ऐसा मतलब मतलब आप ये देखो कि पंजाब में अगर बोला जाता है कि सिख धर्म में जात पात नहीं है अभी गुरु रामदास कॉलेज है वहां पर इतनी बड़ी घटना घटी है तो मैं तो हैरान जो वहां के कॉलेज में अभी उस उस लड़की के दो महीने रहते थे पूरी डिग्री होने को उस दो महीने में उसने बाहर निकलना था डॉक्टर बनना था उसने आई की तैयारी कर रही थी वो उसको इतना किया गया परिवार वाले कह रहे हैं उसको मारकर उसको मर्डर कर उसको टांगा गया है अभी फिर क्या हुआ आप ये देखिए इन कॉलेजों में जो उच्च जातीय लोग हैं जो डॉक्टर बनेंगे दो महीने में वो हमारे लोग जो मरीज होंगे हॉस्पिटलों में ये ये लोग डॉक्टर बनेंगे हमारे लोगों का क्या इलाज करेंगे हम्म वही वही बात है ना? हमारे वही बात है है ना सिचुएशन कितनी दयनीय है क्या क्या हालात है हमारे उसके बाद क्या हुआ जब एफ आई आर लॉन्च होता है वो जो मेन बंदे होते हैं मैनेजमेंट के उन पर एफ आई आर नहीं होता तो वकील के बाद वकील के साथ बात करने के बाद फिर दोबारा फिर अः मतलब पुलिस वालों को अप्रोच की जाती है लड़की की मदर जो है वो इलेवेंथ ऑफ मार्च को फिर एक एप्लीकेशन देकर आती है सेम थाना में तो उनमें जो नाम ऐड किए हैं वो है डॉक्टर मनजीत सिंह ओपल वाइस चांसलर डॉक्टर ए पी सिंह डीन डॉक्टर संगीता पावा और डॉक्टर साहिबाजा और एक और स्टूडेंट था हरजोत सिंह राणू सन ऑफ जगतार सिंह परिवार वालों की मांग है इन पर भी सेम ही धारा जो 306 है और एस सी एस एक्ट नाइनटीन सेक्शन थ्री लगे लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है हमें तो आज ये भी खबर मिली है इन लोगों ने इन लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी तक लिख डाली है ऐसी बच्चों के साइन करवा के कि भाई यहाँ पर कोई जात पात नहीं होता

एपी सिंह बोल रहा है वो न्यूज पेश कर रहे हैं वो लड़की को ये बता रहे हैं कि लड़की का वो दिमाग दिमागी तौर से सही नहीं थी हमारी हमारी अच्छा। क्लास में पात नहीं हो रहा है मार्च को जब हमने ये खबर फैलाई कि फोर्टीन मार्च को हम कॉलेज के बाहर कैंडल मार्च करेंगे डॉक्टरों की तरफ से और बहुजन जो ज्बंदियां हैं वहां पर पहुंचेगी तो एक जग बनी जो है पंजाब की वो खबर वीडियो आती है आठ दस मिनट की उसमें एपी सिंह यही बोल रहा है और उसने ऐसे बच्चे आगे किए हुए हैं वो बोल रहा है कि देखो यहाँ पर तो जात पात ही नहीं है और पेरेंट्स जो हैं मतलब एक कोई सेठी था और एक थापर था उसका लास्ट मुझे याद है वो है वो बोल रहा कि हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है अगर अगर ऐसी लोग हमारे समाज के जो अशूत लोग हैं अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे हम उनके बरोबर प्रोटेस्ट करेंगे आप अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते ऐसा है प्रशासन पंजाब का अभी तक एफआईआर में जो जो सप्लीमेंट्री जो वो रिक्वेस्ट की गई थी ये पांच नाम भी ऐड करो ये पांच नाम भी ऐड नहीं किए गए उसके बाद जब हमने देखा कि क्योंकि लड़की तो वो तो चले गई है तो हमने ये देखा कि जो ये जो ये स्टूडेंट्स के नाम हैं उसमें मतलब पांच तो दूसरे नाम है स्टूडेंट स्टूडेंट हैं ये ये को देखिए कि उसकी क्लास में वाकई हैं क्योंकि एफ आई आर है अगर उसकी आपके पास रिपोर्ट है मोस्टली फर्स्ट नाम दिए हुए हैं तो हम तफ्तीश कर रहे थे अपनी तरफ से कि हमारे पास फर्स्ट नेम है लास्ट नेम नहीं है सर नेम नहीं था मोस्टली किसी का भी तो हम यही सोच रहे थे कि अगर जैसे प्रब नेहमत था लड़की का नाम और प्रियंका था प्रियंका तो क्लास में और भी हो सकती है किसकेस्ट भी लेकिन हमने ये देखा कि उस क्लास की अटेंडेंस मंगवाई वहां से हुँ, हुँ, करके उस कॉलेज में से कुछ बच्चों ने हमें अटेंडेंस भेजी वो लड़की के नाइनटी फाइव परसेंट नाइनटी प्लस उसकी अटेंडेंस है वहां पे एक लड़की इतनी पढ़ी हो उसको शुआ शात से इतना तंग किया जाता हो कास्ट स्लर बोले जाए वो लड़की अटेंडेंस में है वो वहां पर थी उसको पता था कि मेरा फ्यूचर क्या है वो सेपरेट टेबल पर बैठ के पढ़ी एग्जाम दिए तो ये जो सभी दस बच्चे हैं वो सभी उसी के आगे पीछे के रोल नंबर हैं वो सभी उसी के आगे पीछे के रोल नंबर है वहां से हमने लास्ट नेम और, और हमने वो लिस्ट भी उठाई जब इनकी काउंसलिंग हुई थी 2017 की वहां से हमने मैच किए ये नंबर उसकी जो दो हजार सतारह जब उसका बैच स्टार्ट हुआ वहां से नंबर लिए उनके पेरेंट्स के नंबर उठाए और जब लास्ट नेम थे हमने वेरीफाई करना था क्लास में वाकई इस इस नाम के बच्चे हैं तो हराने की बात ये है जो लड़की के माता ने एफ में दर्ज करवाए सभी के सभी नाम ठीक है सभी के सभी नाम वहां पर अवेलेबल हैं और लड़की के आगे पीछे हैं उनके रोल नंबर मतलब जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह लगती है आप ये, ये, ये जो इकट्ठे रोल नंबर होते हैं वो वो उसको मतलब वो ऐसा था लड़की बताती थी अपने घर वालों को अभी बड़ा पंजाब में माहौल खराब हुआ हुआ है आज भी सुबह मीटिंग हुई थी जो अम्बेडकर जथेबंदियां हैं कुछ और जथेबंदियां हैं उन्होंने अमृतसर में मीटिंग की तो देखना है कि कौन सा रुख अपनाए अपनाए संविधानक रुख कौन सा अपनाए कैसे एक पंपुष हमारे समाज की चले गई है वो वापस नहीं आ सकती और भी जो पंजाब में और हमारे और यूनिवर्सिटीज में पूरी भारत में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का सवाल है कि आज आप घरों में बैठे हो आज मैं यहाँ पर बैठ के आपको सुना रहा हूँ अरे भाई जात पात है हायर लेवल पर है मैनेजमेंट लेवल पर है भाई कल आपके बच्चे भी इन कॉलेजों में जाएंगे डॉक्टर पंपोश के हक में आपको आवाज उठानी चाहिए उठानी चाहिए यहाँ पे एक मानवता अधिकारों के लिए एक महिला काम करती हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहती हैं। अगर आप अलाउ करेंगे तो उनको भी मैं जोड़ सकता हूँ ये कृष्णा तिवारी हाँ बताएं क्या कहना चाहती थी हेलो बिल्कुल सर मुझे बहुत दिन से इस टॉपिक पे बात करनी थी जिस दिन से हमारी बहन गई है मैं उस दिन से uh -huh. सो ही नहीं पाई हूँ okay. और सर को सबसे तो पहले तो सभी को जय भीम कहती हूँ जय भीण। जय भीम भीम uh, सर को भी जय भीम जी जी जय भीम सर मैं ये कहना चाहती हूँ अभी कुछ दिन पहले ही सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा दुख व्यक्त करती हूँ उनकी माता जी से भी माता जी को भगवान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत सारे अधिकार दिए ही हैं मैं उन्हें भगवान ही कहूंगी अजय फिर मैं अपने बाबा साहब को वही कहती हूँ अधिकार दिए हैं कुछ अधिकार हमें अगर नहीं भी मिल पा रहे हैं तो हम लेके रहेंगे मैं जी क्रिश्न, क्रिश्न तिवारी मिनट रुकिएगा हाँ, पूजा मैं आ, आप बात कहना चाहता हूं। हमारे समाज की के लोग नहीं रुकेंगे हजारों पंकुश पैदा होंगी आई एस ब्यूरोक्रेसी में जाएंगी आप लोगों को चुनौती होगी फ्यूचर में और ज्यादा चुनौती होगी हम लोग शासन प्रशासन में बाहर बैठे हुए बहुत कुछ करते हैं हमारे जैसे लोग हमारी टीम बहुत बहुत कंट्रीज में भी हैं अभी जो पहले था बाबा साहेब जब संघर्ष कर रहे थे वो पता नहीं कि, कैसे माहौल से निकले होंगे ये जो अब आज हम देख रहे हैं ये जातिवाद का निखरा हुआ रूप है ये हमारे लिए इतना संगीन नहीं है हम इसको टैकल कर लेंगे अभी तो संविधान भी है अभी हमारे पास पैसा भी है सोशल मीडिया है डोंट वरी हमारे समाज की औरतें अभी आजाद हैं हम उनके साथ खड़े हैं हम अपनी औरतों को बच्चियों को स्कूल में यूनिवर्सिटी में भेजेंगे पढ़ाएंगे डॉक्टर बनाएंगे जज बनाएंगे यू डोंट वरी अभी हमारी बेटी यहाँ जी यहाँ पे रयांस यहाँ पे लिख रहे हैं एस सर मेरे हिसाब से ये एक मर्डर है क्योंकि जो लड़की इतनी प्रॉब्लम्स के बाद कंप्लीट डॉक्टर बनने जा रही थी वो कमजोर दिल की बिल्कुल नहीं हो सकती है ये देलौ? बिल्कुल सही भी बात है और देलौ? ये देखें कि जी जी यही घरवालों का बयान है यही घरवाले कह रहे हैं जी की मर्डर है उनको जो जैसे हालात बने हैं अभी एक बात और बताता हूँ जिस दिन इलेवेंथ ऑफ मार्च को जिस दिन वो एक और पत्र देने गए पांच नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हुए जो बड़ी मछलियां थी जैसे मैंने नाम बोले हैं उनके कि उनमें डॉक्टर मंजीत सिंह ओपल वाइस चांसलर डॉक्टर ए पी सिंह डीन डॉक्टर संगीता पावा और डॉक्टर साहिबा कुकरेजा और एक स्टूडेंट था हरजोत सिंह राणु सन ऑफ जगतार सिंह इन इनको एफआईआर में इनको दोषी दोषियों की सूची में दर्ज करने के लिए जब गए हैं तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वाले आए थे वहां पर और लड़की के नाना को वहां पर वो बोले कि हॉस्टल में जाना है लेकर जाना है तो लड़की के नाना ने फिर जब वो हॉस्टल में जाते हैं तो वहां पर क्या हुआ उन्होंने मतलब देखा कि जिस दिन पं, डॉक्टर पंपोज को देखा था उन्होंने कि उसकी लाश लटक रही है तो जब वो वो इलेवंथ ऑफ मार्च को जाते हैं एथ के बाद इलेवंथ ऑफ मार्च को जाते हैं वहां पर जो उसका बेड था वो नीचे किया हुआ था पंखे के और उसके ऊपर ब्लैंकेट और रजाइयां रखी हुई थी उसके नाना जी वहां पर ये वीडियो बनी उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास ये वीडियो है उनके ड्राइवर ने वीडियो बनाई उन्होंने बोला कि ये ये जो बेड है ये ये साइड पे था या और ये कॉर्नर पे था जो वहां पर सबूत है उनको उससे शेरछानी की गई है वहां पर जो कमरे की सेटिंग्स है उसको चेंज किया गया है तो जो नाना थे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया बस यही बोला कि इसको लड़की का मर्डर हुआ है अब हम बयान नहीं देंगे वो इतने डिप्रेस्ड हैं ऐसे तंग हालात से निकलकर उन्होंने अपनी बच्ची को इस काबिल बनाया था कि वो डॉक्टर बन सके तो अभी उसका जैसे वो बोले कि नाइनटीन के बाद अभी उनके बयान होंगे सो तो ये है बिल्कुल हमें भी यही लग रहा है मर्डर है लेकिन अगर मर्डर भी नहीं है अगर उनको ऐसे 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 बोला गया जैसे एक सुनने एक मैंने एक नाम बोला था जो में भी उसका डॉक्टर का नाम दर्ज हुआ उसका नाम था आम, शर्मा वो उसको उसकी बाजू पकड़ के लड़की की एक दिन वो ले गई उसको एक माली था गार्डनिंग कर रहा था उसको बोली कि अब तुम्हारी ये औकात है आप अब हमारे बराबर बैठोगे ये ये लड़की वालों के बना, अच्छा हाँ आप हमारे बराबर बैठोगे आप फ्री में पढ़ रहे हो और इंटर्नशिप के इंटर्नशिप के पैसे मिलते होते हैं बोले, अभी हमको आपको पैसे भी देने पड़ रहे हैं ये लड़की ने बताया और लड़की ने अपने घर वालों को ये बता दिया था कि ये ये लड़के हैं अगर मेरी मौत होती है तो हाँ ये ये बंदे मेरा मौत के जिम्मेवार होंगे तो वो सभी नाम ये लड़की ने बताए थे जाने के बाद जब एफ आई आर हुई लड़की के बाद वो सभी नाम उसकी क्लास में अवेलेबल है न, ये कितनी वैसी बात है कि आज इक्कीसवीं सदी और यहाँ पे आप देखें इतने सारे कॉलर आते हैं जो ये बताते हैं कि कहा जात पात है कहा जात पात है वो हर वो बंदा अपने समाज का बहुजन भाई बहन फेस कर रहा है जो कहीं पे पढ़ता है मतलब आप ये देखें कि कई बार तो लोग नोटिस भी नहीं करते हैं कि जातिवाद कैसे होता है जैसे मान लेते हैं कि वो क्या करते हैं इनके बोलने का जो तरीका होता है वो पहले वो पता लगा लेंगे कि अच्छा किस कैटेगरी का है और उसको कभी कभी उसके बातों में ताने जैसे मारने जैसे आवाज में बोलेंगे कभी उसको लोअरिंग ये नहीं दिखाएंगे कि हम तुम्हारे साथ जातिवाद कर रहे हैं पर उनके हर जो एक्शन है या माउथ का जो एक्शन है या बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा एक जातिवाद दे रहा होगा जातिवाद उनके साथ बिहेव कर रहे होंगे तो ये होता है ये जी दस बुक एम्बेडकर जी सर सो सो ये बातें हैं और बहुत कुछ आगे निकल के आएगा अभी तो हमें ये पता लगा है कि जो एक ही अरेस्ट हुई है और मतलब जो डॉक्टर हैं वो एंटीस्पेटरी बेल बेल उन्होंने अप्लाई की है सो अभी हमें वकील करना होगा देखना पड़ेगा इसको कैसे टैकल किया जाए लेकिन लेकिन हम हम जहां पर भी हैं हम उस परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से लोग जो है पंजाब में गल कस्बों से गाँव से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं Uh, हम इसे एक मास आंदोलन की uh, उसको बनाना चाहते हैं इसीलिए हम चाहते थे कि साउथ वालों को पता चले कि पंजाब में भी जात बात है भला ही ये बोला जाता है कि पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है जहां पर बाकी स्टेटों से जात पात कम है नहीं भाई हम हाँ उसी पंजाब में पड़े बड़े हैं एक गांव में पले बड़े हैं बाहर निकले हैं लेकिन हमें पता है कि हमारे उस समाज में और पंजाब में जिस गांव में हम हम रहते थे वहां क्या होता है आज भी क्या होता है ये ये असलियत है कॉलेज जो जिसको एसजीपीसी चलाती चला रही है जो 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 SGPC, जो एसजीपीसी मैनेजमेंट है दरबार साहब गोल्डन टेंपल वो, वो चलाती है उसकी मैनेजमेंट है एसजीपीसी उनका कोई बयान नहीं आया है उनका कोई बयान नहीं आया है तो हमने जैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को अप्रोच की है लिखती रूप पर परिवार की तरफ से लेटर्स गई हैं, एस सी कमीशन जो है उसके चेयरमैन को गई है और पंजाब लेवल आम आदमी पार्टी की एक बलजीत कौर मिनिस्टर है वेलफेयर ऑफ एस सी एंड बी सी उसको हमने लेटर्स वगैरह लिखी हुई हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है कोई अरेस्ट एक अरेस्ट के सिवाय एक एक जो ऑफिशियल हमें पता चला है एक अरेस्ट के सिवाय कोई और अरेस्ट नहीं हुई है तो बहुत 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 बुरे हालात हैं हमारे स्टूडेंट्स के खास तौर पे जब भारत जो रह रहे हैं जो मेरी आवाज आज अभी ढाई तीन हजार लोग सुन रहे हैं भाई और जो ऑफलाइन भी इस ऑडियो को सुनेंगे प्लीज आप जागी अपने बच्चे जो है आपके वो इन कॉलेजों में जाएंगे ये मत सोचिएगा कि ये किसी की लड़की के साथ हुआ है हमारे साथ नहीं हुआ भाई जितने भी आप लोग हैं आपके जो बच्चे हैं जब वो हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूश में इंस्टीट्यूशन में जाएंगे उनके साथ भी ये हो सकता है सो अगर ना हो इसको रोका रोका जाए तो आप इस आंदोलन को जहां पर भी हैं चलाएं मैं वैसे चाहता था कि अगर आपके पास कोई अगर आपके पास डॉक्टर पंकोज की पिक्चर पहुंची हुई है आप प्लीज उसको स्क्रीन पर प्ले कर दीजिएगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जैसे मैंने पहले बोला था कि लड़की के जो जो लड़की बहुत बुरे हालात थे कैसे कैसे उसकी माँ ने पाला था उसको उसके फादर की डेथ हो चुकी थी जब वो डेढ़ साल की थी तो अपने नाना के पास उसकी मदर रहती थी तो पंपुष अपने नान का घर में बड़ी परी हुई तो परिवार को परिवार ने उसको डॉक्टर बनाने के बारे में सोचा पढ़ा लिखा परिवार है ये मतलब पढ़ा लिखा परिवार है लेकिन ये जो घटना घटी है तो बहुत बहुत निंदनीय है ये ये सच है ये ये देखो कैसे आ, मतलब प्रेशर डाला जाता है सियासी पार्टियां हैं श्रोमणी अकाली दल है वो जुड़ा हुआ है दूसरी दूसरी दर से तो अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई है मैंने मैंने यही बात करनी थी तो धन्यवाद आप सभी को आप सभी का आ, सुनने के लिए और साइंस जनरी स्पेशली आपका कि मुझे टाइम दिया मुझे मौका दिया बात रखने का धन्यवाद कोई और बात हुई और कौशल हुई आप पूछ लीजिएगा फिर मैं ड्रॉप कर जाऊंगा जी जी यहाँ पे मैं तो पहले आपको शुक्रिया कहूंगा कि आप यहाँ पे आए और आपने ये एक महत्वपूर्ण जानकारी दी मैं सभी साथियों से भी कहूँगा कि साथियों इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए देखें ये इसलिए भी जरूरी है कि अपने भाई बहन मर रहे हैं जरा सोचिए अपने भाई बहनों तक अभी तक एजुकेशन नहीं पहुंचा है और जो व्यक्ति या जो भाई बहन जो है एजुकेशन लेके इन टॉप के कंपटीशन को कंप्लीट करके वहाँ पहुंच रहा है और उसकी वहाँ पे हत्या कर दी जा रही है जिसको सुसाइड बताया जा रहा है एक तरह से तो हमें ये बात समझना होगा कि हमारे टैलेंटेड लोग को मारा जा रहा है आज भी ये उसी तरह की घटना है जो बाल्मीकि रामायण में जो सम्भुक था उसका हत्या करवाया जाता है राम के द्वारा ये कह के मतलब वो काल्पनिक है लेकिन उस मैसेज को समझिए वो अभी भी चल रहा है आपका सबसे टैलेंटेड जो व्यक्ति है उसकी हत्या करवाई जा रही है तो इस पर सबको खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों आप नहीं खड़ा होंगे तो ये उसी तरह से चलाते रहेंगे आज हम खड़ा होंगे हम सब इस चीज पर प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग समर्थन में आएंगे अपने भाई बंधुओं के ताकि वो चीज रुके तो ये बहुत जरूरी है इसीलिए मैं ये कहूंगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने लोगों तक पहुंचाइए सब जागना होगा आज नहीं जागेंगे तो एक एक करके ये सबको इसी तरह से करते रहेंगे तो शुक्रिया आपका धन्यवाद बहन कृष्णा तिवारी थैंक यू वेरी मच जय भीम जी जय भीम